अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस सरकार की निंदा करती है, एनडीए सरकार की, कि उन्होंने महिलाओं के दुखों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। इस बजट के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो आम रोजाना चीजों की जो भाव बढ़ रहा है, उसके बारे में उन्होंने इस बजट के अंदर एक शब्द नहीं कहा है। उल्टा उन्होंने एनएफएसए, जो हमारी अन्न सुरक्षा का कानून है, उसके नीचे जो हमारा राशन सिस्टम चल रहा था, उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के नीचे ही उन्होंने अभी एलोकेशन किया है। इसका मतलब जो कानूनी अधिकार है हमारा राशन का, उसको आराम से बंद कर दिया, और ये एक दान के रूप में लोगों को वो बांटेंगे अनाज। लेकिन जब अनाज बंद हो जाएगा, उसके बाद में लोगों को, गरीब जनता को मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब भूखमरी और बढ़ने वाली है। रोजगार का कहीं पे प्रावधान नहीं किया है यहाँ पर। अब देखिए, मनरेगा के अंदर 90,000 करोड़ पहले था, अभी 86,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया है। जो महिला बचत गट है, उनके लिए क्रेडिट की गारंटी दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर लोन लो, ये बता रहे हैं। जो कामकाज उन्होंने जेनरेट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो महिला सक्षम योजना जो है, उनकी मिशन शक्ति, जो बच्चों और औरतों के को सक्षम बनाने के लिए, जो हिंसा पीड़ित महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए मदद करने के लिए, तो उसका जो बजट का जो परसेंटेज है, वो सिर्फ 0.067% बजट का है, उसके लिए उन्होंने दिया है। इसका मतलब औरतों के दुखों के बारे में ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, वो सोच ही नहीं रही है, इसलिए औरतें इसकी निंदा करेगी और पूरे देश में जनवादी महिला समिति उसके खिलाफ आवाज उठाएगी।